दोस्तों मैं जीशान आरिपुर, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीशान मॉनिटर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप बिहार से हैं तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको झारखंड के लिए बताया तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट था कि बिहार के लिए बताइए, बिहार के लिए बताइए। तो हाजिर है आज की इस वीडियो, में आपको पूरा प्रक्रिया बताएंगे किस तरह आप बिहार में ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या आप पिछड़ा वर्ग या आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तभी आप ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इसका लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, जान लीजिए, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग से आप आते हैं तभी आप बना सकते हैं। तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बना सकते हैं, बिहार में अब स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कि चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं सिर्फ 50 रुपये में। ये सिर्फ उड़ीसा के लिए अभी सर्विस लाइव किया गया है, तो इसको ट्राई करते रहेगा, अभी भी आपको आपके स्टेट का भी लाइव कर दिया जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए पब्लिक ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, समय नहीं गंवाते हुए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे serviceonline.bihar.gov.in, यानी कि सर्विस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बिहार की, serviceonline.bihar.gov.in सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट से आप बना सकते हैं और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को फॉलो करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट के इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप दो तरह से बना सकते हैं, सबसे पहला तो यहाँ पे रजिस्टर करके एक अकाउंट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग के और नीचे में यहाँ पे दिया गया है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र के निर्गत के लिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कि न्यू टैब ओपन हो जाएगी, तो न्यू टैब में यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। तो ये फॉर्म आप यहाँ से फिलअप ना करके, अगर यहाँ से फिलअप करते तो आपको कुछ दिक्कत होगी, जैसे कि आप अकाउंट बनाए करते तो आप कभी इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाए करते तो आप कभी भी इस अकाउंट को लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है खुद का पंजीकरण, यहाँ पे पंजीकरण पे खुद का पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेलेक्ट करने बोलेगा, यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद इस कैप्चर को एंटर करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, यहाँ से आप एक अकाउंट को बना लेंगे। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया था वो देंगे, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे जैसे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपको जो ओटीपी मिलेगा वो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है। उसके बाद ये कैप्चर को इस बॉक्स में एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लॉग इन बटन पर क्लिक करके लॉग इन हो जाते हैं। जैसे आप लॉग इन हो जाएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका आपका अकाउंट का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल है, यहाँ पे आप प्रोफाइल को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे सर्विस फॉर अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बिहार का जो यहाँ बिहार सेलेक्ट मेरा स्टेट, तो बिहार के जितने भी सर्विस यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे, यहाँ पे अभी लिस्ट में 10 ही शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 100 को क्या करना है, 100 में आपको 100 सेलेक्ट करना है, यानी कि 100 सर्विस आपको एक लिस्ट में दिखाई दे। तो इस तरह आप एक ही लिस्ट में पूरा सर्विस देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो उसके लिए आप यहाँ पे ऊपर में दिया गया सर्च आइकन, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस फॉर बीसी एंड ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल, यहाँ पे 28 नंबर में जो आपको सर्विस मिल रहा है बीसी एंड ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल, यहाँ पे सीओ लेवल से सर्टिफिकेट आपका बनेगा ओबीसी सर्टिफिकेट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे भी इस पर क्लिक करें तो कुछ इस तरह यहाँ पे सेंटोपेज दिखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये बिहार सरकार के द्वारा बन रहा है, एक होता है केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, बहुत सारे यहाँ पे बताया जाता है, मतलब सेंटर से बना रहे हैं या स्टेट से, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा गया बिहार सरकार यानी कि स्टेट से बन रहा है। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि पहले आप कभी इसके लिए अप्लाई किए, कभी आपको ये प्रमाण पत्र बना है, यस या नो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको जनरल पूछेगा मेल या फीमेल, वो सेलेक्ट करेंगे, या आपका अभिवादन ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करेंगे तो आपके नाम के आगे श्री श्रीमती वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जो आपका नाम है वही आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका
फुल नेम देना होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना नाम, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे लग रहा है आपको आपका नाम हिंदी में गलत है, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें से आप अपना सही नाम का जो स्पेलिंग वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपका सही नाम का स्पेलिंग का लिस्ट सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका सही नाम का सही स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो आपको जाना है गूगल इनपुट टूल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ हिंदी में आप लिखेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे, जो भी आप इंग्लिश में लिखेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी जैसा लिखेंगे वैसा यहाँ पे आपको दिखा देगा, और यहाँ से आप सही स्पेलिंग हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे हिंदी में सही लिखा, इसको कॉपी करेंगे और इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसको आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, इसको कॉपी करके लाकर आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका नाम का स्पेलिंग जो वो सही से। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आधार डेट ऑफ बर्थ, देने के लिए डेट ऑफ बर्थ क्लिक कैलेंडर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ईयर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मंथ, उसके बाद डे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर आपको इंटर करना जरूरी नहीं है, अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं। अगर आधार नंबर इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे ओटीपी मांग सकता है, आधार मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर आधार कार्ड पे उस पर ओटीपी मांग सकता है। अगर नहीं देना चाहते ओटीपी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओटीपी नहीं देना है तो यहाँ पे आधार कार्ड को खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको कर अपना स्थानीय पता देना, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि अनुमंडल सब डिवीजन, यहाँ पे आपको अपना प्रखंड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ आपको का गांव का नाम लिखना होगा, यहाँ वार्ड, यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट करना होगा, जो आपका थाना वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको डाकघर नंबर, डाकघर का नाम देना, यहाँ पे आप होल्डिंग नंबर खाली छोड़ सकते हो, सर्किल नंबर खाली छोड़ सकते। उसके बाद पूछा या आप कहाँ रहते हैं, आपका घर जो वो ग्राम पंचायत में आता है या नगर पंचायत में या नगर परिषद में, जो जिसमें आता है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मेरा ग्राम पंचायत में वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी, वो लिस्ट में अपना पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। उसके पर क्या है टेम्पोररी पता, यानी कि ये आपका स्थायी पता टेम्पोररी पता सेम है, तो यहाँ पे आपको ऊपर जैसा आप क्लिक करेंगे तो ये सारा पता कन्वर्ट हो जाएगा। उसके फिर नीचे में यहाँ पे आपको मिला धर्म, आप किस धर्म के, यहाँ पे अपने धर्म का नाम लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं अपने धर्म का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछेगा, अत्यंत पिछड़ी वर्ग से या पिछड़ा वर्ग, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जाति क्या, आप किस जाति से, यहाँ पे पूरी जाति दिए गए जो इसके लिए, तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे, जिसे मैंने अत्यंत पिछड़ा सेलेक्ट किया, तो ये इस अत्यंत पिछड़ा के अंदर की अंतर्गत किस किस कौन कौन जाति आते हैं, वो सारे जाति यहाँ पे आप दिए गए हैं पूरी लिस्ट पे, यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम में चूड़ीहार है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुस्लिम में मोमिन है या साई है या फकीर है या दीवान है या मदर है तो कोई भी आप कर सकते हैं, या किसी भी अदर जाति के भी है, अदर धर्म के भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी धर्म के दिए गए, मतलब कि अत्यंत पिछड़े के अंतर्गत कौन धर्म कौन जाति आता है और पिछड़ा वर्ग के अंदर कौन सा जाति आता है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी देखे, जैसे ये हो गया, इसमें कुछ जिला को जिला के लिए देख, जैसे यहाँ पे केवल पूर्णिया कटिहार अररिया जिला के लिए, और यहाँ पे देख लीजिए मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी, यहाँ पे जो जिला के लिए दिया गया वो उसी जिला के लिए वायलेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बिहार की सूची में जाति का क्रमांक ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ उपजाति सेलेक्ट करने की बोलेगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें स्टार भी नहीं लगे, इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपका पैसा, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, सरकारी सेवा, निजी व्यापार, किसान, हाउस वाइफ या अन है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का फुल नेम देना होगा, जैसे आप इंग्लिश में यहाँ पे फादर का फुल नेम देते हैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हिंदी में कन्वर्ट नहीं होती फिर भी आप इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे और यहाँ पे कॉपी करके लाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अगर लेडीज़ का बना रहे तो उनके हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, अगर शादीशुदा है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मदर का नाम देंगे, उसका मदर का नाम इंग्लिश में देने के बाद आपको यहाँ पे उनका नाम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होता है तब आपको यहाँ से कॉपी करके लाके देना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा जिसपे नोटिफिकेशन वगैरह जाता है, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है, मोबाइल नंबर देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पिता या पति या जो भी है यहाँ पे दिया गया अभिभावक, उनका पता देना होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका पिता या माता या पति का जो डिटेल होगा, संवैधानिक पद रहेगा यानी किसी भी तरह का नौकरी वगैरह है तो उनका डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते क्योंकि इसमें इसको भरना अनिवार्य नहीं है, इसमें स्टार नहीं लगा, ये सब को हम यहाँ पे खाली छोड़ दे
सकते हैं कि अभी ये सबको हम खाली छोड़ देते और नीचे आ जाते। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए वार्षिक आय आपको भरना जरूरी है कि वार्षिक आय जो भी आपका सालाना इनकम है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्यापार से कृषि वगैरह से कितना इनकम है वो आप देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है क्या आप भुगतान करते यानी किसी भी तरह का आप टैक्स देते हैं, तो यस या नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद यहाँ पे संकलक यानी आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है, जैसे कि एक शपथ पत्र इसमें आपको मिल जाएगा। ये उसके बाद यहाँ पे आवासीय फॉर्म, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र क्या सब दे रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे ये तीनों देंगे, तो ये तीनों को सिलेक्ट करेंगे, आवासीय, आय, जाति और ये शपथ पत्र। ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका ब्लॉक का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चर देखने को मिले, इस कैप्चर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल फिलअप कर चुके हैं, कैप्चर भी यहाँ पे इंटर कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है अपना नाम जांच ले, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जांच ले। आपको ईमेल आईडी पे इनका जो एक सर्टिफिकेट का एक कॉपी भेज दिया जाता है और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा चीज़ सही है तो यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा, यहाँ पे आप पूरा डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ गलत है तो उसके बाद यहाँ पे अटैच डॉक्यूमेंट को करेंगे, तो यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जहाँ जो जो ऑप्शन पे टिक मार्क लगा है तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शपथ पत्र, यहाँ पे आपको ये वाले शपथ पत्र को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको शपथ पत्र कहाँ से लेना है वो हम पहले आपको बता देते हैं। अपलोड कर देना होगा, यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है और उसको भी अपलोड करना है। उसका इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है चॉइस वाले पे क्लिक करके। और यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका बीसी ईबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जाति प्रमाण पत्र, और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। उसके अलावा आपको एक और डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ चलिए मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आधार कार्ड को अभी अपलोड कर लूँगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना अनिवार्य है, यहाँ पे सभी में स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और फिर से मिलता है एक बार आपको पूरी जानकारी को डिटेल को मैच करने की चेक करने के लिए। यहाँ पे आपको लगता है आपका डिटेल यहाँ पे पूरा चीज सही है तो यहाँ पे आप सबमिट बटन पर प्रेस करें, इसको आप यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको अभी सबमिट नहीं करेंगे तो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली से टैब को क्लोज कर देना है, ठीक है। जब भी आपको फिर से सबमिट करना होगा या डिटेल को चेंज करना होगा फिर से आप पोर्टल लॉगिन करेंगे, यहाँ व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। जैसे इस पर क्लिक करें यहाँ पे आपको मैंने अभी जो कर रहा था बी सी ई बी सी जिसको मैंने सबमिट नहीं किया वो इनकम्प्लीट में यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे एक्शन पे आएंगे, यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आपको पूरा फॉर्म फिलअप किया हुआ मिल जाएगा तो वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सबमिट करेंगे आपको रसीद एक मिल जाएगा, उस रसीद पर आपको पूरा डिटेल रहेगा, आपको डेट भी रहेगा आपको किस दिन मिलेगा। तो अप्लाई के मैक्सिमम 15 दिन इसमें समय लगता है, 15 दिन में आपको मिल जाएगा और किस तरह मिलेगा वो आपको मेल पे भेज दिया जाएगा आपका सर्टिफिकेट, नहीं तो आप फिर से इसी पोर्टल को लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएगा व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस क्लिक करेंगे यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, कब से कब का डेट आप दिखना चाहते हो वो सारा चीज़ यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं पिछले 3 महीने में कोई भी आवेदन नहीं किया हूँ। जैसे यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप जितने भी अप्लाई किए होंगे पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो कर देगा। क्या मैंने यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, उनका क्या किस सर्विस का नाम, उनका रेफरेंस नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यही रहता है, और सबमिशन डेट कब अप्लाई किए थे, कब मिलने का डेट है। यहाँ पे स्टेटस करंट स्टेटस दिखा दें, करंट स्टेटस यहाँ पे अभी अंडर प्रोसेस है। जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पे आपको डिलीवरी दिखाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो मैं अभी अंडर प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। जब भी आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा तो वहाँ पे आपको डिलीवरी का ऑप्शन दिखाएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे आपको स्लिप डाउनलोड करने का फिर से ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे प्रिंट करने का, उसी तरह यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको एक सर्टिफिकेट के बारे में एक दिखा देते जो मैंने डाउनलोड किया हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया, तो यहाँ पे डिलीवरी दिखा रहे हैं, ये हमें मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कि कास्ट सर्टिफिकेट, मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट करके यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जब BC EBC के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको BC EBC सर्टिफिकेट रहेगा डाउनलोड करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आज का ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आज आपने सीख गया किस तरह BC EBC सर्टिफिकेट यानी कि OBC सर्टिफिकेट, नन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस तरह बिहार में बना सकते हो, वो भी स्टेट लेवल का। ये स्टेट लेवल का है, ये केंद्र लेवल का नहीं है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।